आपके फेस पे एक्ने है, डार्क स्पॉट है, और अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस है, और अगर आपके फेस में शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन भी होगा, उसको भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, और मैं इंस्टा पे भी सेम नाम से हूँ, जनरल टॉक्स विद छवि के, और सिमसिम स्टोर पर भी आपको मेरे वीडियोज मिल जाएंगे। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करें। तो बात कर लेते हैं आज के फेस पैक की। अगर आपको आपके स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट है, अगर आपको डार्क स्पॉट की शिकायत है, या फिर अगर आपको एक्ने की परेशानी है, या फिर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या ब्लेमिशेस है, उन सबके ऊपर ये जो है फेस पैक वो काम करने वाला है। बहुत मार्वेलस रिजल्ट। जैसे एक्ने की परेशानी है तो ये एक से दो बार अगर आप यूज करते हो ना, उसमें ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ब्लेमिशेस की परेशानी है तो उसको भी ये दूर करेगा। अगर ये ऐसा पैक है जो आपके स्किन वाइटनिंग में भी ये आपको फर्क दिखलाने वाला है, यानी कि अगर आपकी रंगत कम हो गई है तो उसके ऊपर भी ये काम करने वाला है। अगर मैं बोल दूं अभी कि ये भी मेरा बेस्ट फेस पैक है तो सोचिए कि क्या होगा। बस सारे कमेंट बॉक्स में वही कमेंट भरा रहेगा, मैम हर पैक आपका बेस्ट कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ भाई, मेरे सारे पैक बेस्ट होते हैं, तो मैं कैसे बोल दूँ कि ये पैक मेरा बेकार है और वो पैक मेरा अच्छा है। सारे पैक बेस्ट मेरे हैं, बस वो आपके ऊपर कौन सा पैक आपको सूट करता है वो आपका आपके लिए वो बेस्ट होगा, ठीक है ना। वैसे मैं 10 पैक बनाती हूँ, उस 10 पैक में आपके स्किन के ऊपर जो सूट करे वो आपके लिए बेस्ट हो गया, है ना। जो मैं तो बहुत सारे पैक बनाती हूँ और सारे पैक ही मेरे बेस्ट होते हैं, तो ये बात को आपको समझना होगा ना कि जो आपको सूट करे वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मेरे लिए तो सारे पैक बेस्ट है। तो चलिए, और बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आए जब मैं ये बहुत सारे मुझे कमेंट आए जब ये मैं ग्राइंडर जो मैं यूज़ करती हूँ उसका जब मैं रिव्यू की हूँ, तो मुझे लगता है वही लोग कमेंट किए होंगे कि मैम क्या अब आप ऐसे प्रोडक्ट के भी रिव्यू करने लगे, आप तो ब्यूटी बनाते बनाते प्रोडक्ट के रिव्यू करने लगे। तो मैं आप सबको एक बात बता देती हूँ, मेरा चैनल का नाम है जनरल टॉक्स विद छवि, ठीक है ना। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ओनली ब्यूटी के लिए ही मैं वीडियो बनाऊंगी, ओनली फॉर ब्यूटी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। जनरल टॉक्स विद छवि है। मैं इसके ऊपर ब्लॉग भी डाल सकती हूँ, मैं उसके ऊपर बैठ के गप्पा भी, प्रवचन भी दे सकती हूँ, मैं इसके ऊपर सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम ही वही रखा। और कितना ब्यूटी के मैं बनाऊंगी ना, बहुत सारे मैं बना बना करके मैं भी थक जाती हूँ, मेरी भी इच्छा होती है कुछ अलग करूँ। और ये जो रिव्यू की हूँ मैं प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए आप ही लोगों में से ने बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैम प्रोडक्ट का रिव्यू कर दो, प्रोडक्ट का रिव्यू कर दो। तो फिर मैं प्रोडक्ट का रिव्यू कर दी, फिर आपको तकलीफ होने लगी। ऐसे नहीं होता है ना, थोड़ा सा बात को समझें, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा हर एक चीज़ को, एक ही चीज़ को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। अभी मैं इसका रिव्यू की हूँ, कल मैं किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी, फिर किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी। ऐसा ही है, लाइफ ऐसे ही चलता है, एक ही चीज़ के ऊपर नहीं रह सकती। तो चलिए आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको लगाते कैसे हैं, और बनाते कैसे हैं, और इसको लगाने के बाद इसका रिजल्ट कैसा। तो अगर आपके फेस पे एक्ने और ये सब है ना, तो उस सब की शिकायत को दूर करने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इस पैक को बनाने के लिए लगने वाला है वो है ऑरेंज। अब ओके, अगर आपके पास ऑरेंज पाउडर है, यानी ऑरेंज पील पाउडर है, तो आप ये यूज़ करें। या फिर आपके पास ये नहीं है, अगर आप नहीं मंगाना चाहते हो, तो फिर आप इसको छोड़ दें और आप ये यूज़ कर सकते हो। यानी कि फिर आपको छिलका को कुछ इस तरह से जो है ना, अगर आपने ड्राई फॉर्म में रखा है ना, तो आप उसको भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको सब कुछ बता दी, अगर पाउडर नहीं तो ये, और कैसे कैसे। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं लेने वाली हूँ ऑरेंज पील पाउडर। और आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होगा कि ऑरेंज क्या करता है। अगर आपके स्किन पे एक्ने है या ब्लेमिशेस है, या फिर आपके स्किन पे डार्क स्पॉट है ना, या फिर आपके स्किन पे हाइपरपिगमेंटेशन की शिकायत है, या फिर अगर आपके स्किन में ग्लो नहीं है, उन सब के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। आपकी स्किन को स्किन वाइटनिंग में भी इसे महारत हासिल है, यानी कि अगर आपकी स्किन की रंगत कम है ना, तो ये रंगत को भी निखारने में इसे महारत हासिल है। सब
पाउडर का ये पापा है, मींस बहुत बेस्ट माना जाता है। ऑरेंज पील पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन बहुत को ऑरेंज सूट नहीं करता, उसमें से मैं भी हूँ, मुझे भी ऑरेंज जो है वो सूट नहीं करता है, यानी कि ऑरेंज पाउडर जो है मुझे सूट नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली जो इसका जो जूस होता है ना, जो ऑरेंज का जूस होता है, मैं वो जो है सो कि मिक्स करती हूँ। मैं पाउडर कभी भी अपने फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, जबकि इसी का पाउडर ये भी है, लेकिन मुझे ऑरेंज पाउडर शुरू से किसी भी ब्रांड का वो सूट नहीं करता। तो मैं आपको एक बात क्लियर बताती हूँ। तो चलिए, फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने वाली हूँ वो है साबूदाना। साबूदाना वही जिसकी हम लोग खिचड़ी बनाते हैं या फिर खीर बनाते हैं, वही साबूदाना है। तो मैं क्या की हूँ, 1 स्पून के करीब में साबूदाना जो है ना वो ली हूँ और इस ग्राइंडर में ग्राइंड हो गया। बहुत सारे मुझसे मैसेज पूछते हैं, मैम 1 स्पून ग्राइंडर में तो ग्राइंड हो ही नहीं सकता। ये वाला ग्राइंडर ले लो, आराम से ग्राइंड हो जाएगा। रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, आप जाकर के देख सकते हो। तो 1 स्पून के करीब में जो है वो साबूदाना पाउडर जो है वो भी मैं इसके अंदर, ये देखिए, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो 1 स्पून हो गया ऑरेंज पाउडर, 1 स्पून हो गया साबूदाना का पाउडर। ये दोनों को आप ऐसे पाउडर फॉर्म में बना करके रख सकते हो, जब इच्छा हो तब आप इसको, बस इन दोनों को भी आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लोगे तो मार्वेलस रिजल्ट आने वाला है। साबूदाना भी, अगर आपकी स्किन अगर मोती जैसी नहीं है ना, तो मोती में क्या होता है, मोती को हम लोग क्यों पसंद करते हो, क्योंकि उसमें बहुत शाइन होता है ना, तो आपकी स्किन में भी वही मोती वाली चमक जो है ना ये फेस पैक लाने वाला है, और आपकी स्किन में जो है मार्वेलस आपको रिजल्ट दिखने वाला है। एक बार अगर आप यूज़ करते हो ना, उसमें ही आपको रिजल्ट दिखने वाला है। चलिए, 2 इंग्रेडिएंट हो गया। अब जो इसके साथ जो थर्ड इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो है बेसन। नॉर्मल बेसन जो अपना होता है वही है। अगर आपको बेसन नहीं सूट करता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके जगह पे राइस फ्लावर ले सकते हो, या फिर राइस फ्लावर ही ले सकते हो, तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं तकरीबन 1 स्पून के करीब में मैं बेसन भी ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से, मिक्स हो गया। अब ये क्योंकि बहुत बन चुका है, 1 स्पून के चक्कर में ये 3 स्पून हो गया, और ये अगर मैं पूरा अगर मिक्स कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा वेस्ट। तो मैं क्या करूँगी, इन सब का पाउडर जो मैं मिक्स की हूँ ना, उन सब में से मैं 1 स्पून के करीब में जो है मैं ये ले रही हूँ। ये मेरे फेस के लिए इनफ है। सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट आपको लगना है, ऑरेंज पील पाउडर या फिर ऑरेंज का जो छिलका जो मैं आपको बताई हूँ वो, फिर साबूदाना, और फिर बेसन या फिर राइस फ्लावर। ये इतना बेहतरीन फेस पैक बनने वाला है। इसको आपको मिक्स किसके साथ करना है, या तो आप रोज वाटर के साथ मिक्स कर सकते हो, या फिर आप दही के साथ मिक्स कर सकते हो, या फिर आप ऑरेंज जूस के साथ ही इसको मिक्स कर सकते हो। अभी मैं क्या करने वाला, दही के साथ, और दही के साथ मिक्स करूंगी। आज मैं अपने फेस के ऊपर वही लगाऊंगी और देखती हूँ कि भाई क्या होता है ना। मुझे पता है ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी जो है सो कि इचिंग शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर, लेकिन मैं सोची कि नहीं करती हूँ, आज लगाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि बहुत पहले ऐसा मुझे हुआ था, उसके बाद से मैं डर गई थी, उसके बाद मैं यूज़ करना बंद कर दी थी। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। चलिए, पैक बन के हो गया है रेडी। अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसका रिजल्ट जो है सो कि देखते हैं। नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ठीक लगाना पड़ता है।
गया ये थोड़ा सा, 1 स्पून ही कितना हो गया ना, देखो आप पूरा कवर करेगा ये, दो लोगों को लग जाएगा, 1 स्पून अगर आप डालते हो ना दो लोगों को लगने वाला है। चलिए ये हो गया, अंडर आई से मत लगाएं आप। फेस सूख चुका है, अब वॉश करती हूँ, रिजल्ट शेयर। फर्स्ट अभी फेस वॉश करती है, नेक पे अभी लगा ही हुआ है, नेक का मैं अभी नहीं हटाई हूँ क्योंकि अभी मुझे सार लेने जाना है। मैं अच्छे से रब करते हुए अच्छे से थोड़ा सा अपने नेक के ऊपर हल्का सा मसाज करूंगी स्क्रब के जैसा, उसके बाद अपने नेक से हटाऊंगी। मैं इतना डर रही थी कि ऑरेंज पील पाउडर मुझे नहीं सूट करता, एक्चुअली मुझे नहीं सूट करता है, उसे दिखला रही हूँ मैं। इतना सॉफ्ट और इतना स्मूथ लग रहा है ना मेरा स्किन, और इतनी ग्लोइंग लग रही है ना मेरी स्किन के, मैं सच्ची में मुझे ना मतलब इस फेस पैक से प्यार हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। इस फेस पैक का रिजल्ट अमेजिंग है, मैं बोलूंगी आप सब जरूर ट्राई करें। इस पैक को आप वीक में 3 डेज लगा सकते हो, या इस पैक को आप चाहे तो डेली लगा सकते हो, यानी कि जब आप सार लेने जाने वाले हो बस 10 मिनट पहले अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें इसे। उसके बाद जो है जब ये ड्राई हो जाता है, बहुत फास्ट ड्राई होता है, 10 मिनट काफ़ी होता है, जब ये ड्राई हो जाता है तो हल्का सा मसाज करते हुए अपने फेस को वॉश कर ले। आप इसे अपने नेक पे भी लगाएं, देखो अभी भी आप मेरे नेक पे लगाएं, मैं बहुत अच्छे से मसाज करने वाली हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने नेक पर से उतारने वाली हूँ। तो आप वीक में 3 डेज लगाएं या फिर वीक में आप मतलब पर डे लगाएं चलेगा। स्पेशली ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो गजब का फेस पैक है, यानी कि जिनकी ऑयली स्किन है या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए ये फेस पैक बहुत मार्वेलस रिजल्ट लेके आने वाला है। आपके स्किन पे ब्लेमिशेस हो, डार्क स्पॉट हो, पिगमेंटेशन हो, अनइवन स्किन टोन हो, सबके ऊपर ये काम करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके नेक अगर आपका ब्लैक है ना तो उसके ऊपर भी ये काम करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव स्किन वाले नहीं लगा सकते, कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मैं इसे लगाई हूँ और आप रिजल्ट देखो, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। हाँ इधर 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 मीरा भी बोल रही है कि आपका स्किन बहुत बुरा लग रहा है, इधर आओ। अभी मेरी मीरा काली हो गई, फिर से गांव से आई ना छुट्टी पे, इधर आओ इधर आओ। स्किन मेरा कैसा लग रहा है? गोरा लग रहा है, गोरा लग रहा है। मीरा का होंठ काला हो गया फिर से, देखो मीरा को दिखलाती हूँ, मीरा अभी गांव से आई हो गई। देखो ये अभी कल से पैक लगाना शुरू करूंगी, आज मैं फेस पैक जब बनाई हूँ तो मीरा लेट से आई है। मीरा का ये एरिया ब्लैक हो जाता है, होंठ है ना, जब लोगों का फेस काला होता है मीरा का होंठ काला होता है, तो जब ये गांव जाती है अपने गांव से आती है तो ऐसे ही एकदम से काली हो के आती है। मैं फिर फेस पैक लगा लगा करके इसको ठीक करूंगी, तो ये बहुत मार्वेलस रिजल्ट देने वाला है, आप इसे लगाएं। स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ स्पेशली ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले तो इसे एकदम से लगाएं, ड्राई स्किन सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ जरूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मियां शुरू होने वाली हैं और पुणे में तो मैं बहुत गर्मी है भाई, बाहर में भी गर्मी होगी, शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।